हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भगवान शिव को आदि देव कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे। शिव का न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत, अर्थात उन्होंने न कभी जन्म लिया है और न कभी उनकी मृत्यु संभव है। माना जाता है कि केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि शिव सर्व देवमय है, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। और आज हम आपको जिस मंदिर में दर्शन करने के लिए ले चलेंगे वो देवाधिदेव महादेव शिव शंभु को ही समर्पित है। सूरत से लगभग 25 किलोमीटर दूर ओलपाड़ तहसील के सरस गाँव में सेना नदी के किनारे स्थित सुप्रसिद्ध एवं पौराणिक मंदिर सिद्धनाथ महादेव मंदिर या सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। इस पौराणिक मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के तापी महात्म्य में आता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्री गोकर्ण ऋषि के तपोबल से संसार के कल्याणार्थ श्री सिद्धेश्वर महादेव प्रकट हुए थे। इस स्थान से संबंधित कथा के अनुसार जिस जगह आज ये भव्य मंदिर खड़ा है उस जगह एक समय हरा भरा घास का मैदान हुआ करता था, जहां ग्वाले अपनी गायों को चराने के लिए लेकर आते थे। इन्हीं गायों में से एक गाय प्रतिदिन एक निश्चित स्थान पर जाकर रुक जाती थी, जहां उसके थनों से स्वतः ही दूध की धार बहने लगती थी। जब ग्वाले का ध्यान इस ओर गया तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने ये बात अपने गाँव में बताई। धीरे धीरे ये बात गोकर्ण ऋषि के कानों तक भी पहुंची। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर अपने तपोबल और दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा कि उस स्थान पर भूमि के अंदर एक शिवलिंग उपस्थित है। तब गोकर्ण ऋषि ने उस स्थान पर अनेक वर्षों तक तपस्या करके इस शिवलिंग को प्रकट किया और उसकी स्थापना की, इसलिए ये मान्यता है कि ये शिवलिंग स्वयं भू है। तपस्या के समय ऋषि गोकर्ण ने इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त की थी, इसी कारण से ये शिवलिंग सिद्धनाथ महादेव के रूप में विख्यात है। ऋषि गोकर्ण द्वारा श्री सिद्धनाथ महादेव की स्थापना 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव के उपलिंग के तौर पर की गई थी। मंदिर परिसर में गोकर्ण ऋषि की समाधि भी है। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार रावण का वध करने के पश्चात भगवान श्री राम जी को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, जिसके निवारण हेतु उन्होंने अनेक स्थानों पर पूजा अर्चना की थी। उसी दौरान उन्होंने सिद्धनाथ महादेव मंदिर में भी पूजा की थी। इसी कथा से संबंधित यहाँ रामबाण कुआं तथा रामकुंड नामक दो जल स्रोत भी हैं, जिनका पानी बहुत मीठा है। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने ही भूमि में बाण चलाकर यहाँ गंगा को उत्पन्न किया था, इसलिए इस कुएं का नाम रामबाण कुआं पड़ गया। इतना ही नहीं, यहाँ के खंडित शिवलिंग में से भी मीठे जल का स्त्राव होता है, जिसके कारण ये शिवलिंग खंडित होते हुए भी पूजनीय है। यहाँ के शिवलिंग के खंडित होने के पीछे भी एक कथा जनमानस में प्रचलित है। ऋषि गोकर्ण ने जिस स्थान पर सिद्धनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी उस जगह कालांतर में यहाँ के राजा ने एक मंदिर का निर्माण करवा दिया था। प्राचीन काल में ये माना जाता था कि यदि कोई राजा किसी शिवलिंग की स्थापना करवाता था तो उसके नीचे वो ढेर सारे हीरे जवाहरात रखवा देता था। इसी मान्यता के आधार पर एक बार कुछ लुटेरों ने खजाने के लालच में इस स्थान पर आक्रमण करके सिद्धनाथ महादेव शिवलिंग को अपने हथियारों से बहुत छिन्न भिन्न कर दिया। तब देवों के देव महादेव को क्रोध आ गया और लुटेरों के हथियारों से शिवलिंग में जितने भी छेद हुए थे वहां से असंख्य मधुमक्खियां निकलने लगी। इन मधुमक्खियों ने लुटेरों पर आक्रमण करके उन्हें अंधा कर दिया। उस घटना के बाद से तथा शिवलिंग में से भी मीठे जल के निरंतर स्त्राव होने के कारण इस खंडित शिवलिंग की भी पूजा आराधना होने लगी। इस शिवलिंग का रंग भी अन्य शिवलिंगों से अलग है। मंदिर के गर्भगृह में
भगवान भोलेनाथ के अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर भक्तगण कृतार्थ अनुभव करते हैं। गर्भगृह में भगवान गणेश, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर व कच्छप भगवान की भी प्रतिमाएं विराजमान हैं। आधुनिक मंदिर शैली में निर्मित सिद्धनाथ महादेव मंदिर का परिसर बहुत विशाल है तथा इसमें मुख्य मंदिर के अलावा एक अन्य शिव मंदिर भी है। इसी परिसर में आप हनुमान जी और काल भैरव के भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में अनेक दीपक एक ही स्थान पर जलाने के लिए एक विशाल स्तंभ का निर्माण भी किया गया है। संध्या के समय प्रज्वलित दीपकों से दमकता ये स्तंभ बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। यहीं रामकुंड के पास में एक गौशाला भी है जहां गौ माताओं की सेवा की जाती है। कुल मिलाकर यहां का सुरम्य वातावरण व्यक्ति को ईश्वर और धर्म से जोड़े रखता है। सिद्धनाथ महादेव मंदिर गुजरात में हिंदू धर्म के अति प्राचीन इतिहास का गवाह है। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है तथा लोगों में इसके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास है। श्रावण मास में अन्य शिव मंदिरों की तरह ही सिद्धनाथ महादेव मंदिर ओलपाड़ में भी भक्तों की अपार भीड़ आती है। स्थानीय लोगों ने मंदिर के बाहर ही कुछ स्टॉल लगा रखे हैं जहां से आप भगवान को अर्पित करने के लिए फल फूल तथा अन्य पूजन की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर प्रतिदिन 7 बजे से 1 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। इसके बाद भगवान 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम करते हैं और उसके बाद 2 बजे से सायं 7 बजे तक फिर से श्रद्धालुओं को दर्शन का लाभ देते हैं। इस स्थान से कुछ ही दूरी पर स्वयंभू हनुमान जी का मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, अंबिका निकेतन मंदिर आदि मंदिर भी हैं। यदि आप सिद्धनाथ महादेव मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो इन स्थानों के भी दर्शन अवश्य करें। आप सिद्धनाथ महादेव मंदिर वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा सिद्धनाथ मंदिर पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा वडोदरा है, जहां के लिए देश के किसी भी शहर से हवाई यात्रा कर एयरपोर्ट से सूरत ओलपाड़ के लिए कैब ले सकते हैं। और अगर आप रेल मार्ग द्वारा सिद्धनाथ मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो यहां का निकटतम रेलवे स्टेशन सूरत है, जहां पहुंचकर आप मंदिर के लिए टैक्सी या कैब ले सकते हैं। इनके अतिरिक्त आप सड़क मार्ग द्वारा भी सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर सिद्धनाथ महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। तो शीघ्र ही आप भी अपनी सिद्धनाथ महादेव मंदिर के दर्शनों की यात्रा योजना का शुभारंभ करें। आज के इस एपिसोड को हर हर महादेव के जयघोष के साथ यही विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए धाम की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम।